मैदाने बदर दी रात है, सुबह मैदाने जंग, इस्लाम ते कुफर दी पहली जंग यौमुल फुरकान है। इधर मेरे नबी दा लश्कर ते इधर अबू जाल दा लश्कर है। अद्धी रात वेले अबू जाल दे खैमे चोदा बचपन दा यार बैठा जिहदा नाम है अखनस बिन शरीक। अखनस बिन शरीक अद्धी रात वेले अबू जाल नूं कहण लगा, मैं तेरे बचपन दा यार हां, इधर तेरा लश्कर उधर मुहम्मद दा लश्कर है, सवेरे तेरी ते मुहम्मद दी पहली जंग है। इस वे खैमे या मैं या तू मैं सची दस तेरा मुहम्मद के बारे ख्याल की है, की ख्याल है तेरा मुहम्मद के बारे। अबू जाल होवे जेड़ा मेरे नबी दा सारी कायनात च वड्डा दुश्मन है। अबू जाल अपने यार नूं कहण लगा, तू ते मैं बचपन दे यार आ, तेरे कोल मेरी जिंदगी दा ओला कोई नहीं। अबू जाल कहण लगा, सवेरे खैमे च या मैं या तू है, सवेरे मेरी मुहम्मद दे नाल जांगे, असी मैदान जंग दे अंदर बैठे आ। अबू जाल कहण लगा, जे मैनूं सच्ची पुछना है मेरा मुहम्मद दे बारे ख्याल की है, ते मैं नौ से रब दी कसम है जेड़ा काबे दा रब है मेरा ख्याल है वे, मैं झूठा वा मुहम्मद सच्चा, मैं झूठा मुहम्मद ही सच्चा है। मुर्शदा चुप रवे ते मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह। कैसी पकीजा जिंदगी, चढ़दी जवानी 14 साल दी मेरे नबी दी। मैं थोड़ी जी जिंदगी दा रंग पेश करा नबी करीम दा, शायद मेरे नबी दी जवानी दा रंग चढ़ जाए अज दे नौजवान उते। चाहते हो ना सोने हो जाओ, सारे चाहते हो ना नौजवान। इतवार वाले दिन जाके नाई की दुकान से फेशियल भी चेहरे से करा दौ, पॉलिश भी करा दौ कि मैं सोहना हो जावा। आ मैं तेनू सोहना बनन दा इक कुलिया दसा, मिंबरे रसूल ते बह के मिंबर वाले दी कसम उठा के कहना, अपनी सारी जिंदगी दी कमाई अपने चेहरे ते लगा, तेनू होरे कोई ना वेखे, अपने चेहरे ते मुहम्मद दा रंग चढ़ा, तेनू कोई ना वेखे, मुहम्मद दा रब वेखे ही वेखे। जे सोहना बनना ही ते अपने चेहरे ते मुस्तफा दा रंग चढ़ा ले, उहदे नाल उते सोहना कोई नहीं, ना ते रंग ते उहदा ही चढ़ाना चाहीदा जिहड़ा सोहना होवे। कौन है दिवाली दी चढ़दी जवानी 14 साल दी। मेरे आका ने मक्के च अपनी रहमत दी निगाह नाल वेख्या ते वेख्या के मक्के च कोई बाज़ाबता हुकूमत नहीं, कोई सदर, कोई वजीर आजम, कोई हुकूमत नहीं, कोई कानून नहीं। एक ही कानून है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी अमीर बहुत अमीर है ते गरीब बहुत गरीब है, गरीबां दा इस्तेहसाल हो रहा है। ख्याल आया कि होवे ना ते मैं मक्के दे अंदर एक अंजमन बनावा। ये वाकया हजरत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी जौन नबी शरीफ च लिखे। मेरे आका ने नौजवानों की अंजमन बना ली, जिवें आ मुहम्मद अदनान ने अंजमन गुलामान ने रसूल बना ली कि आओ यार रल के कमली वाले का जिक्र करिए। मेरे नबी ने एक वेलफेयर सोसाइटी बना ली मक्के दे अंदर, उहदा एक ही मंशूर है कि असी गरीबां दा हक लैके अमीरां कोलों ते वापस गरीबां नूं देवांगे। एक दिन सफा पहाड़ी ते कोहे सफा दी चोटी ते बैठ के मेरे नबी नौजवानों नूं मक्के दे नूं इकट्ठा करके ना ते उस मीटिंग दी सदारत फरमा रहे। अराश कबीले दा एक पेंडू एक अराशी पहाड़ दी चोटी ते खलो के ना ते रारो के तार रो के ते नीचे वेख के कहन लगा, आ आ आ जेड़ा मक्का शहर है ना, इत्थे किसे गरीब दी सुनन वाला ही कोई नहीं। ओदी आवाज जदों मेरे नबी दे कन्ना च पई, हुजूर उठ के उस पेंडू दे करीब गए, हुजूर ने फरमाया, आ जेड़ी गल कीती जरा फिर करे। उन्हें नीचे पहाड़ ते खलो के मक्के शहर वाली इशारा करके कहन लगा, जी मैं आखे आए कि रब्बा मैं टुर चलिया तेरे काबे दे कोलो, मेरी किसे सुनी कोई नहीं, आ पूरे शहर च किसे गरीब दी सुनन वाला ही कोई नहीं। नबी करीम ने फड़ के सीने ना लगा के ना ते आपने इरशाद फरमाया, जिदी कोई ना ना सुने ओदी मैं सुनना, मैनू सुना, मैनू सुना। ओ पेंडू रो के कहन लगा, जी मैं की सुनावा, मेरी मुसीबत दा इत्थे मदावा कौन करे। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा, तू सुना तो सही। पेंडू मेरे नबी दे सीने लगे कहन लगा, वे सोनिया की दसा, कहन लगा जो मैं जवान होया अल्लाह करीम ने मेनू बेटी अता की थी, मैं अपनी बेटी नू पालदा रहा, उधर मेरी ऊंटनी नू भी अल्लाह ने बचाया अता की था, अपनी बेटी भी पालदा रहा ऊंट भी पालदा रहा। मेरा ख्याल सी जदू बेटी जवान होवेगी ऊंट भी जवान हो जाएगा, मैं ऊंट वेच के अपनी बेटी की शादी कर देवांगा। अज मेरी बेटी की शादी का वेला आया, मैं मक्के दे अंदर ऊंट बेचने आया, एक मक्के दा चौधरी है, मेरा ऊंट
ऊंट खरीद के लै गया है, हुण मैं पैसे मंगना देंदा नहीं, इधर मेरी बेटी दी शादी दा वेला आ गया है। मैं बड़े बड़े चौधरियां दी सिफारशां डालियां ने, वो चौधरी किसे दी मनदा ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया रोई ना, तेरा हक मैं लेके देवांगा। फरमाया दस चौधरी दा नाम की है। ऐ लगा सुनया है ओदा नाम अमर बिन हशाम है, लोग नु अबू अल हिकम कहंदे ने। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया आजा तेरा हक लेके देवा, होवेगा लोगों वास्ते अबू अल हिकम आवेगा, मैं भी ओनू अबू जहल कहना, होवेगा लोगों का अबू अल हिकम। लोग कहते ने अबू अल हिकम हिकमत दा बाप, दनाई दा बाप। मेरे नबी फरमाया हिकमत दा नहीं, ए जहलां दा बाप है। तुसी सुभान अल्लाह घर जाके लाज़मी बोलियो, ए हाथ नहीं चुकना मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए भाई। थोड़ा हो रौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए भाई। अबू जहल जहालत दा बाप, गल सुना देवा नहीं बोले तो अबू सुफयान ते सफवान दो काफिर ओ पहाड़ दी चोटी ते बैठे। साहिब अनीसुल जलीस ने लिखा कि नीचे देख रहे कि एक हिरन दौड़ रही, पिछे बग्याड़ पे दौड़े। हिरन डरती डरती ना हर में काबा च दाखिल हो गई, मगर जो ही हर में काबा दी हद शुरू हुई ते बग्याड़ इंज रुक गया जिवें किसे जंजीर पाके रुक गया। सफवान पहाड़ी ते वेख रहा अबू सुफयान नु कोनी मार के कहन लगा, ओ नीचे वेख बग्याड़ किड़ा सियाना है कि इन्हें पता कि जड़ी चीज हरम च दाखिल हो जाए वो अमन है, चाचा दी वमन दखला हु का ना आमिना। ये बग्याड़ नो पता है कि हरम च शिकार नहीं खरीदा, इतने अमन है। इसे वास्ते हज करने वाले या उमरा करने वाले नो हुक्म है कि टेंड करा, क्यों कि किधरे खारिज कर दिया जो भी ना मर जाए, इतने जून भी अमन है। इस वास्ते हुक्म है कि उमरा करने वाला या हाजी हज करने वाला बाल तक ना अपना तोड़े, इतने अमन है ना। सफवान अबू सुफियान को कहने लगा किड़ा सियाना बग्याड़ यार, इन्हों हरम की पहचान है, इन्हें हिरन का शिकार नहीं किया हरम में, उत्थे रुक गए। तब बग्याड़ मुड़ के ऐसा पहाड़ वाल वे के कहने लगा, मैंने जानवर होके हरम की पहचान है, तेन बंदा होके जो मुहम्मद की पहचान ही नहीं होगी। पता लगा जिन्हों कमली वाले दी पहचान ना होवे ओ ते जानवर नाल भी बदतर, कमासा लिल हिमारी यहमिलु असफारा, ते जानवर नाल भी बुरा जिन्हों कमली वाले दी पहचान ना होवे अबू जहल लोगां दा अबू अल हिकम। पर मेरे नबी ने फरमाया इन्हों मेरी समझ नहीं आई, ए ते जहलां दा बाप है, ए ते जहालत दा बाप है ना। नबी करीम ने पेंडू नू नाल लिया, लड़के नौजवान नाल ले मक्के देते, हुजूर आ गया अबू जहल दे दरवाजे ते, आपने फरमाया पेंडू मेरी कंड दे पिछे खलो जा। दरवाजा खटकाया मेरे नबी अबू जहल ना नींद दे खुमार च बाहर आया। सरकार बल वेख के कहने लगा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम ने लोग अक्सर मुहम्मद नहीं सन कहंदे, अमीन कहंदे सन। मैं इस पैड़े पै गया, तकरीर लंबी हो जानी, मैं मुड़ वापस आवा, कहने लगा मुहम्मद किधर आयो, अमीन किधर आयो, सादिक। मेरे नबी जवाब देना पसंद ही नहीं किया, इस तरह करके हजूर ने अपनी कान के पिछू पेंडू नु निकाल के ते अबू जहल के सामने खड़ा किया। अबू जहल का रंग उड़ गया। नबी करीम अलैहि सलाम ने अपनी नबूवत वाली वजाहत ने इरशाद फरमाया, फरमाया इधर ऊंट खरीदे आई, मेरे वाल वेख, ऊंट खरीदे आई अबू जहल, पैसे दिते देने के नहीं, तुसी नहीं समझे, मगर मैं आसान कर देवा। आला हजरत फाजले बरेलवी एवें तो नहीं ना फरमाया, आला हजरत फरमाते ने तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में जुबान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान। तो जिन्होंने अपनी जुबाना ते बड़ा बोलियां ते मान सी ना, जद आया ना कमली वाला अल्लाह फरमाया इन कुंतुम फी रैबी मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिन मिन मिस्लिही, अल्लाह फरमा गया आ गया मेरा यार, हुण कोई बोल के वखावे मेरे यार वरगा, हुण कोई बोले ना आ गया मेरा यार। कौन है वली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊंट खरीदे आए, पैसे दिते देने के नहीं,
फरमा ले आओ। अबू जाल ने पैसे ले आके मेरे नबी दी तली ते रखे। सरकार ने पैसे फड़ के पेंडू नू अता किते। पेंडू नाले अपने पैसे ले ही जांदा नाले कहंदे हौसले माड़े आदे पता बे पिया आजजी तगड़िया नू सिखा बे पिया हौसले हौसले माड़िया दे वधावे। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। लच्छेदार तकरीर मैं बड़ी आदि नट भरिया पड़िया हजार तकरीर मेरिया नल पर मेरा दिल कर दिया मैं तुम्हें कुछ ना कुछ हजूर की सीरत चो थोड़ा जहा सबक दे लवान फिर मैं थोड़े मिजाज की गुफ्तगू करना पहले मैं अपना रांझा राजी कर लवान फिर मैं थोड़ा रांझा राजी कर देवगा। हौसले माड़िया के वधावे पिया। एक दिन हजूर की बारगा एक साहब भी बैठे थे उन्होंने ना हजरत बिलाले हबशी ना गर्मा गर्मी हो गई। हजरत अबू दर गफारी हजरत बिलाल कह लगे चुप कर कालिया मेरे नबी ने जदों सुनिया ना तो हजूर देते तेवर बदल गए। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी वाल वेख के फरमाया तेरे विचों अजे दौरे जाहलिया दियां अकड़ां नहीं गईयां। जदों डांटिया ना मेरे नबी ने उस साहबी ने इंज करके ना इस तरह करके ना हजरत अबू दर गफारी ने इस तरह अपने चेहरे नूं जमीन ते रख लिया। जमीन ते चेहरा रख के ना ते फरमान लगे बिलाल यार दरा नेड़े आवी मेरे चेहरे दे उते अपना पैर रख तेरी आकर टूट जावे। हौसले माड़िया दे वधावे पिया ते अज जी तगड़िया नूं सिखावे पिया। एवें नहीं उहने बिलाल नूं काबे दी छत ते चौड़ियां चौधरियां दे सामने चढ़ाया। बिलाल आख्या सी कबली वाले दुनिया दे चौधरी ते मकाबे दी छत ते उच्चा होके चढ़ जावा। फरमाया ना दुनिया दे चौधरियां नूं इह ते दसना चाहना दुनिया दे चौधरियो तुहाडे नाल मुहम्मद दे कमी दा मुकाम बहुत आ जाए। चढ़ जा काबे दी छत ते हौसले माड़िया दे वधावे पिया ते अज जी तगड़िया नूं सिखावे पिया। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ऐसी हसीन जिंदगी ऐसी सीरत मैंने नबी दी कि कुफर भी सारी जिंदगी मुस्तफा च ऐब नहीं नजर आया बल्कि जिन्हें वेख्या ना गल सुना देवां ये जरा बार बार मैं कह रहा ना हाथ खड़े कर लो मैनू कसम है मिंबर वाले रसूल दी मेरा कोई फायदा नहीं तुहाडे हाथ खड़े करने कोई फायदा नहीं मगर मैं इस वास्ते बार बार कहना हाथ खड़े करके बोलो कि कुरान मजीद सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया अलयौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ने फरमाया कि कयामत नु जुबाना बंद हो जाएंगी हाथ बोलेंगे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों मोबाइल भी जरा सोच समझ के इस्तेमाल करया करो कयामत नु हत्थां ने बोलना जे पर मेरा जी करता जब कयामत नु अल्लाह मेरे और तुहाडे हाथ नु पूछे ना कि बंदा सारी जिंदगी तेरे नाल की करदा रिहा ते हाथ कहे या अल्लाह माफ कर दे जो भी करदा सी पर जब तेरे माही दा नाम दा सी मैं उच्चा होके सुभान अल्लाह कहदा सा। इस हाथ नु बख्शिश दा वसीला बनाओ ते उच्चा जो बोलो सुभान अल्लाह। जेड़ा वेखदा ना मेरे नबी नु जेड़ा भी वेखदे ओ याद ना वो जड़ी माई वडेरी सीरत निगार लिखते ने कहो जी सवेर की गठड़ी बना के मक्के की गली च बैठी है ते जेड़ा गुजरता उन्हें कहती वे 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 पुत्रा माई की गठड़ी चुका हुई। हौसले माड़िया के वधावे पिया। वह मक्के जड़ ते जाहिल कौम जेड़ा गुजरता माई वाल घूरी पाके ना गुस्से ना वेख के गुजर जाए। शाम हो गई ते माई ने किसी गठड़ी ना चुकाई ते माई ने वेख्या सामने ना गली का मोड़ ते एक सोहने जे मोड़ मुड़िया हाथ चुके बोलोगे मेरी तसली हो जाएगी। माई ने वेख्या कि सोने जे गली का मोड़ मुड़िया माई की निगाह सोने के चेहरे ते पई ना ते माई के लब्बा चो धक्के नाल निकलिया। माई कहती है वे सोने वे नहीं बोले वे अच्छा इन्हें बोलना जिन लगता है कि सोना है वे अजे भी सारे नहीं बोले वे इन्हों को समझे कि असि सब ओरे दौरे खिताबत कह के वे सोने नहीं मैनू कसम रबे वहदा दी जिहड़ा कमली वाले ने पहली निगाह वेखदा सी ना उहदे लब्बा चो निकलदा सी लम अरा कबलहु अला बादहु मिसलहु वे सोहणिया वे
ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾ ਰਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ਈਅਨ ਅਹਸਨ ਮਿਨ ਰਸੂਲillah ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਨ ਸ਼ਮਸ ਤਜਰੀ ਫੀ ਵਜਹੀ ਵੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵੇ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਲਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਨ ਵਜਹੁ ਮੁਬਾਰਕੁਨ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਨ ਵਜਹੁ ਲੈਸ ਬਿ ਵਜਹਿਲ ਕਜ਼ਾਬ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਯੂਸੁਫ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਇਹ ਹਿਜਾਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹਿਜਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈ ਵੀ ਮਿਸਰ ਦੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਮਿਸਰ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਇਹਨੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਗਦਾਲੀ ਤਫਸੀਰ ਸੂਰਹ ਯੂਸੁਫ ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਹਲਕ ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਗਲੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇ ਯੂਸੁਫ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ आप फरमाते हैं अम्मा तू तो यूसुफ वेखे कद बनाने वाला वेखे लखा यूसुफ भुल जाओ तो जो यूसुफ वेखन उन्होंने तो आ हाल हो जाता कि उंगलियां कट लेंगे इस पेंडे नहीं पैना चाहता वरना तकरीर इस हो जानी मैं फरमाशा बड़िया ने जिन्हें यूसुफ ने वेख्या उन्हें उंगलियां कट लिया तेरे हुसन तू सदके जावा तेरी उंगली वेख के चन दे टुकड़े हो गए उत्थे तो उंगलियां के टुकड़े होए इतने चन के टुकड़े हो गए उत्थे हुसन वेख के टुकड़े होए इतने उंगली वेख के टुकड़े हो गए माई कह लगी वे मैनू कसम रबे मुहम्मद ही चेहरे ते नूर नहीं आ सकता जेड़ा कमली वाले दे नूर ना माने